ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर से 10 दरादी का केस है। पुलिस ने मजीद 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 66 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जिमान को वीडियो और तस्वीर में शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि टिकटॉकर नर्स के साथ ही रैम्बो ने मजीद 5 अफराद की निशानदही भी कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा अब तक कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पेशरफ कहां तक हुई है इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में जो खातून के साथ बदतमीजी का वाकया पेश आया था, उसमें पुलिस ने जो 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया, उस मुकदमे में अब तक जो 66 अफराद जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद सामने तफ्तीश किए जा चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जहाँ पे पहले टिकटॉक नर्स आयशा का बयान रिकॉर्ड किया गया था, उसका मेडिकल करवाया गया था, अब उसका जो साथी और मुकदमे का जो वाहिद गवाह है रैम्बो जिसका नाम है, उसका भी मेडिकल और बयान जो है वो करवा लिए गए हैं। और पुलिस काम के मुताबिक रैम्बो की जो शनाख्त है, रैम्बो की शनाख्त के ऊपर 5 मजीद मुल्जमान जो है उनको हिरासत में लिया है, जिनके बारे में उसने आइडेंटिफिकेशन की कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, और इन्हीं की जानिब से आयशा टिकटॉक जो गर्ल थी उसको हरासा किया गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 66 हो चुकी है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों के लिए लाहौर, सरगोधा और दीगर जो इलाके हैं, शेखपुरा के इलाके, वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं और मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो भी मुतवक्को हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।